तो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 9 की ज्योग्राफी वाली जो बुक है उसके अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसका नाम है जनसंख्या। क्या नाम है? जनसंख्या। तो जनसंख्या से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्राकृतिक घटनाएँ जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गाँव या शहरों को प्रभावित करती हैं तभी वो आपदा बनते हैं। संसाधन आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो भी संसाधन है मानव ही उनका उपयोग करता है, आपदा भी मानव का ही विनाश करती है। तो ये सभी जो बिंदु हैं वो किसके लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं? मानव के लिए। जनसंख्या से संबंधित तीन प्रमुख बातें होती हैं। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, इसका अर्थ होता है लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ, ये कारक महत्वपूर्ण है। और जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना, स्वास्थ्य के लिए अवस्था क्या है, ये सभी बातें जनसंख्या से संबंधित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1,660 लाख है। उत्तर प्रदेश में, देखिए 2001 का आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा क्या करता है, निवास करता है 2001 की आंकड़े के अनुसार। हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 5 लाख ही है। लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग निवास करते हैं। तो ये हमारे भारतीय जनसंख्या का आंकड़ा है। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में भारत की लगभग आधी आबादी निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो कहाँ का? बांग्लादेश और जापान का जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत से अधिक है। 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 324 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, और जहाँ पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 904 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में केवल 13 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। यह है क्या है? 2001 की जनगणना के अनुसार आंकड़ा है। आगे हम बात करें, असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे तथा पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली व कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। उत्तरी मैदानी भाग दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर समतल मैदान और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। जनसंख्या एक परिवर्तन प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण, संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है, कि कितने लोगों ने जन्म लिया, कितने लोग मर गए, कितने लोग आए किसी स्थान पर, वहां से कितने लोग चले गए। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में 10 वर्षों के भीतर या किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या के परिवर्तन के 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला सापेक्ष वृद्धि और दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा हम जनसंख्या के परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं। आगे हम बात करें, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या, जैसे 1991 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2001 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरपेक्ष वृद्धि। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं, जन्म, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर के बीच की अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? जन्म दर, मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है वो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है। भारत में एक वर्ष प्रति 1,000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यदि यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्मदर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1,000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत में हुई है, जनसंख्या की वृद्धि का मुख्य कारण है। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं।
प्रवास आंतरिक यानी देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देश के बाहर भी हो सकता है। कुछ लोग क्या है, देश के बाहर भी रहने चले जाते हैं। भारत में अधिकतर प्रवास गरीब ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। नगर का आकर्षण जो है वो रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन के स्तर को दर्शाता है। भाई सामान्यतः गाँव से शहरों की ओर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अच्छी सुख सुविधाएँ होती हैं और अच्छा जीवन स्तर लोगों को प्राप्त होना चाहिए, इसलिए गाँव से शहरों की ओर पलायन देखा जाता है। आगे हम बात करें, किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः तीन वर्गों में बांटा जाता है। बच्चे बच्चे सामान्यतः 15 वर्ष से कम, ये अधिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते। इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। वयस्क 15 से 59 वर्ष के लोगों को वयस्क माना जाता है। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील व जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। वृद्ध 59 वर्ष से अधिक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये शैक्षिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। लिंगानुपात किसे कहा जाता है? देखिए, प्रति 1,000 पुरुषों पर या महिलाओं पर पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है, यानी 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। साक्षरता दर क्या होती है? साक्षरता दर किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है, शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा होती है। तो यदि किसी देश की साक्षरता में कमी है तो उस देश की आर्थिक प्रगति जो है वो सही अनुकूलतम स्तर तक नहीं हो रही है। आगे हम बात करें, 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष है या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर श्रेणी में रखा जाता है। तो साक्षर किसे कहा गया है? एक व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है, वह किसी भी भाषा को समझ ले, लिख ले, पढ़ ले, उसे हम क्या बोलते हैं? साक्षर कहते हैं। व्यवसायों को सामान्य, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक, इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन और खनन आदि प्रक्रियाएं शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र, इसमें क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन और निर्माण कार्य आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र जो होता है उसमें परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन और सेवाएँ इसमें शामिल होती हैं। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य पर निर्भर करता है। तो देखिए, भारत में 64% जो जनसंख्या है वो किस पर निर्भर करती है? कृषि पर निर्भर करती है। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की जनसंख्या का कुल 5वां भाग है। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती हैं। तो किशोरों का जो पोषक तत्व इनको बच्चों और जो बुजुर्ग होते हैं उनसे ज़्यादा चाहिए। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1,000 में से 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने, परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा है प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में है जो कि जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण, यौन संबंध से प्रसारित बीमारियों से किशोर या किशोरियों की संरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनका देर से विवाह, देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पोषण सेवाएं उपलब्ध कराना, बाल विवाह को रोकने संबंधित कानूनों को सुदृढ़ करना इनका क्या उद्देश्य है। किसी भी मतलब ये सभी कार्य इसलिए किए जा रहे हैं जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण प्रभावी हो सके। अगला पॉइंट है, किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। शिक्षित एवं स्वस्थ राष्ट्रीय जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। और यदि
कार्यक्षम शक्ति किसी भी देश में पाई जाती है तो वह देश जो है आर्थिक तरक्की की राह पर अग्रसर होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस चैप्टर का फास्टली रिवीजन किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और NCERTC की जो अन्य क्लासेज हैं उनका अध्ययन जरूर करें। निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।